लोगों की कुछ उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से हम बात की जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री आपका जो पहला प्लान था, उसके बाद बेरोजगारी अपनी पीक पे थी, 1 लाख नौकरियां, 12 सिलेंडर, तो सर फिलहाल अभी तक जो है हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कोई एक तो कुछ छोटा मोटा जनता को गिफ्ट दे सकते थे, इसके बदले में MLA को जो है 15-15 करोड़ रुपया दिया जाता है उनकी गाड़ियों के लिए स्पेशल। क्या हम जनता और MLA में, सरकार ये कहती है कि VIP सिस्टम हमने खत्म करना है, जनता को कुछ नहीं, MLA को 15 करोड़ रुपया उनकी गाड़ियों के लिए, क्या लगता है स्टेज कब तक? फर्स्ट टाइम आपका ये था, आपका डेब्यू था पॉलिटिक्स में, आपने फर्स्ट टाइम, उससे पहले आप कॉन्टेस्ट नहीं किया कभी भी। आपके सामने जो दिग्गज पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें जो है शामिल थे, जाने माने ताने एक्स जो मिनिस्टर उसमें रह चुके हैं, सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? इतना बड़ा जो हुजूम आपके साथ एकदम ही हो गया, क्या कुछ कारनामे थे आपके सर? जनता को थोड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल खंड मीठे लोग। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्किंग MLA जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अभी जिन्होंने जो है भारी बहुमत से जीत हासिल की है, मिस्टर खुर्शीद जी जो वर्किंग MLA इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आज यहां पे ये अपने जो इनका अपना घर है शाहबाद कॉलोनी बहुफोर्ट में, वहां पे पहुंचे। आपने देखा लोगों ने किस प्रकार का इनका जो है इस्तकबाल किया। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया जी। सर आप बताइए, पहले जब यहाँ से आप गए थे, वहाँ से जीत क्या है, और बड़ी भारी बहुमत से जीते आप, अब वापस आके कैसा फील हो रहा है जब अपने लोग, अपने यार दोस्तों से आपकी मुलाकात है? एक्चुअली मैं पहले सर्विस कर रहा था, असिस्टेंट इंजीनियर था मैं PMJ में, R&D में, तो मुझे रिजाइन करना था। रिजाइन करके VRS लिया था मैंने, अभी 7-8 साल सर्विस भी थी मेरी। तो मैं छिंदा गुलाबगढ़, हमारी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिला और पोलिशन में हमने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे। तो ऊपर वाले ने, लोगों ने, छिंदा गुलाबगढ़ के लोगों ने जो सपोर्ट किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और बाकी मेरी यहाँ भी 20-22 साल यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, जो ये मल्ला है शाहबाद, इसमें तो हमारी जवानी के दिन निकले हैं। तो इंशाल्लाह जो मुझे आज इन्होंने वेलकम किया, यहाँ बागली साहब थे, शाह साहब थे, बाकी हमारे सारे मोहल्ले के लोग थे यहाँ पे, तो इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, फिर अपने गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे जिताया, और फिर आज अपने घर यहाँ पे पहुँचा हूँ जी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर एक और प्रश्न आपसे हम पूछेंगे, जनता जानना चाहती है। सर फर्स्ट टाइम आपका ये था, आपका डेब्यू था पॉलिटिक्स में, आपने फर्स्ट टाइम, उससे पहले आप कॉन्टेस्ट नहीं किया कभी भी। आपके सामने जो दिग्गज पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें जो है शामिल थे, जाने माने ताने एक्स जो मिनिस्टर उसमें रह चुके हैं, सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? इतना बड़ा जो हुजूम आपके साथ एकदम ही हो गया, क्या कुछ कारनामे थे आपके सर? जनता को थोड़ा बताइए। ये तो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि अल्लाह का करम है। सबसे पहले उसकी निगाहें जो वो ठीक होनी चाहिए, तो उसके बाद मेरे जो वहाँ के लोगों का, उन्होंने अच्छा और बुरा देखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके साथ मेरा कंटेस्ट था वो आज़ाद उम्मीदवार थे, BJP के भी वहाँ पे कैंडिडेट था। और मैं फर्स्ट टाइम मैदान में निकला था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद जमात है जो हमारे जम्मू कश्मीर को किसी अच्छी साइड पे ले जाएगी। आपने देखा है पहले 370-35A, फिर उसके बाद स्टेट को UT बना दिया गया, तो इन चीज़ों को लोगों ने वो सारा कुछ रिजेक्ट किया है, और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी दी हुई है। तो हम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे क्रूशल समय पे पहचाना है हर एक को, और उन्होंने सही रास्ते पे और सही तंजीम को वोट दिया है। हम उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो हम मेरे साथ मेरे अपोनेंट थे, वो भी बहुत बड़े लीडर थे जम्मू कश्मीर में, उनका नाम है, 2 टाइम मंत्री रहे हुए थे, और ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे हार गए, ये थोड़े असूलों की होती है लड़ाई, तो इसी वजह से लोगों ने सपोर्ट किया और हमने हर एक चीज़ को अच्छे से पॉजिटिव ले लिया और अच्छे मार्जिन से
जी सर, सपोर्ट किया लोगों ने काफी ज्यादा, ये मानने वाली बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत में आई, लेकिन सर लोगों की कुछ उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से हम बात की जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री आपका जो पहला प्लान था, उसके बाद बेरोजगारी अपनी पीक पे थी, 1 लाख नौकरियां, 12 सिलेंडर, तो सर फिलहाल अभी तक जो है हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कोई एक तो कुछ छोटा मोटा जनता को गिफ्ट दे सकते थे, इसके बदले में MLAs को जो है 15-15 करोड़ रुपया दिया जाता है उनकी गाड़ियों के लिए स्पेशल। क्या हम जनता और MLA में, सरकार ये कहती है कि VIP सिस्टम हमने खत्म करना है, जनता को कुछ नहीं, MLAs को 15 करोड़ रुपया उनकी गाड़ियों के लिए, क्या बात है भाईजान? मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपने बोला कि अभी क्या डिसीजन दिए, सबसे पहले पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उमर साहब की सदारत में, और सबसे पहले हमने स्टेट का बहाली के लिए रेजोल्यूशन पास किया, ये आपने सुना है। अब ऐसा है कि हम स्टेट के लिए सबसे पहले लड़ेंगे, और जो जो हमारा मंशूर है, जैसे 200 यूनिट बिजली थी, गैस सिलेंडर था, और ये भी आप अगले दिनों में देखेंगे सुनेंगे, आप तो मीडिया से हैं, आपको हर चीज़ का पता है। इंशाअल्लाह रहमान, हमें पूरी उम्मीद है अपनी क़यादत पे, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे, कि वो जो भी हमने मंशूर में रखा है इंशाअल्लाह वो सब ठीक होगा। सर क्या लगता है स्टेट रोड कब तक? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी। अब सेंटर भी मेहरबान होना चाहिए, और उनको भी पता है, हमारे सेंटर को भी आज पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कितने परेशान हैं, खासकर हमारे जम्मू सूबा के, जो यहाँ पे दरबार मुंह बंद हुआ, जो यहाँ पे हमारे जो वैष्णो देवी के जो हमारे श्रद्धालु थे वो अब डायरेक्ट कटरा में पहुँच रहे हैं, और जम्मू को तो बिल्कुल ख़त्म किया ने गवर्नमेंट ने, तो इनको इस बारे में इनको भी सोचना चाहिए, और हमारे एफर्ट्स तो लगे हैं, तो आप अगले दिनों में ये भी देखेंगे इंशाल्लाह, ये कैबिनेट में डिसाइड होगा कि हमारा दरबार मूव भी दोबारा स्टार्ट होगा। बेरोजगारी की आपने बात की, 575 पोस्टें लेक्चरर की आज एडवर्टाइजमेंट हुई है, आपने वो देखा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, ये 10 साल का एक गैप है, हम ये समझेंगे 10 साल, ये 14 में गवर्नमेंट बनी थी मगर वो नाम याद गवर्नमेंट थी, उसने कोई काम नहीं किया, खासकर यूथ को उसने बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है, और हम इंशाल्लाह ये आपसे पुरवसूक ये बोलेंगे आपको कि हम आगे बड़े बड़े यहाँ पे काम करने वाले हैं, बेरोजगारी के बारे में और एडवर्टीजमेंट में होंगी, और आप देखते रहेंगे कि अच्छा जो लोगों ने एतमाद दिया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे श्री खुर्शीद जी, जो के वर्किंग MLA, इंजीनियर खुर्शीद जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय वर्किंग MLA है। बातें तो इन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है, जिस प्रकार के सरकार के वादे थे। अब देखना आपको भी होगा, हमको भी होगा, होता क्या है। तो आपने बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।